तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोंड नोएडा भारत से और द मैकेनिकर के इस चैनल में बहुत स्वागत है आपका। द मैकेनिकर के इस चैनल पे टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाता है, आपको भी पता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली NCR गुड़गांव में आप जानते होंगे कि गाड़ियों की बैटरी बहुत ज़्यादा चोरी होती है, लिमिट से ज़्यादा। तो चोरी होती है उसके लिए कस्टमर लोग, गाड़ी के ओनर लोग क्या करते हैं, बैटरी में एक क्लंप बनाते हैं, उसमें बहुत बड़ी पत्ती लगा देते हैं और ताले का लगा देते हैं, ताला चाबी। अब ताला क्या होता है, कई बार इमरजेंसी में खुलता नहीं है क्योंकि लोकल ताला यूज करते हैं, और वाश करते हैं तो ताले में जंग लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार इमरजेंसी में बैटरियाँ खुल नहीं पाती है, ताला भी तोड़ना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा सॉलिड उपाय है, और ये भैया हैं, इन्होंने ही ये अपनाया, ये आइडिया, पूरी बात बताएंगे। इतना सॉलिड ट्रिक है ये कि जिससे ये लगा दिए तो आपकी बैटरी चोरी नहीं होगी, मतलब ही नहीं है चोरी होने का दिल्ली NCR में। तो आइए पास में मैं दिखाता हूँ एको कि क्या इन्होंने ट्रिक किया है, और ये भैया ने अपने गाड़ियों में जगह जगह लगा रखा है, बैटरी में भी, ECM में भी, हर तरह का साइज का आता है। तो आपका ECM भी चोरी नहीं होगा, बैटरी भी चोरी नहीं होगा, यदि इस ट्रिक से चलते हैं तो चोर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए पास में मैं दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ 8 नंबर का बोल्ट दिया रहता है, तो इन्होंने क्या किया है, ये हेड का बोल्ट है ऑटो का, बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको। ऑटो का बोल्ट पुराने स्टड होते हैं, वो वेल्डिंग करा सकते हैं इसमें नॉर्मली, और ये लॉक लगेगा इसमें, देख सकते हैं ये ऑटो का लॉक है, और ये लॉक स्पेशल बैटरी के लिए आता है ऑटो का। किसी भी ऑटो वाली दुकान पर जाके कहेंगे कि मेरे को बैटरी वाला लॉक चाहिए तो आपको लॉक मिल जाएगा आसानी से। अब इस लॉक के साथ में एक नट देता है, तो ये चूँकि 12 नंबर की चूड़ी है, ठीक है, 14 नंबर का ऊपर का चूड़ी है, थ्रेड 12 की है, 14 का ऊपर की टोपी है इसकी। ये अलग अलग साइज की मिलते हैं ये बोल्ट, ये 12 नंबर का भी मिल जाता है, 10 नंबर का भी मिल जाता है। तो इस बोल्ट से इसमें अब स्टड है, स्टड के ऊपर ये बोल्ट टाइट कर देंगे। पहले एक वार्सल लगा लेते हैं इसमें। लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ये ऊपर आ जाएगा और आपका ये जो लॉक है ये प्रॉपर बैठ जाएगा। अब देखो ये वार्सल लगा लिया, वार्सल लगाने का फायदा ये होगा। अब देखो और पास में आओ, थोड़ा सा लगाने का फायदा, ये इतना मोटा वार्सल अगर आप लॉक लगाएंगे तो ये लॉक क्या होगा, आराम से अपना तरीके से बैठ जाएगा। अब ये देखो इन्होंने ये लगा दिया, टाइट कर दिया, बहुत अच्छा जुगाड़ है ये, ताकि चोर इसे कितना भी कोशिश करे, जेन्युइन लॉक है और ये खुलेगा नहीं। एक साइड से आप भी नहीं हिलेगी, एक साइड से वेल्डिंग करा देना ताकि इधर तो खुलने का कोई चांस ही नहीं है, दूसरे साइड में ये लॉक के साथ में नट आता है, ये लग गया इसमें, देखे खांचे बना हुआ है। अब ये क्या करना है, नॉर्मली ऐसे लगाना है और इसको ऑन हटा देना है। अब ये देखो, अब ये लॉक बिल्कुल तैयार, रेडी। अब ये लॉक रेडी हो गया, अब खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, चाबी लगा ही नहीं सकते। देखो नीचे और पास में करके क्लियर करो, देखो चाबी नहीं लगा सकते यहाँ, और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये इसमें भी बैटरी में भी लगा सकते हैं, देखिए ECM में भी इन्होंने लगा दिया है, सेम टू सेम बोल्ट वही है ECM में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ECM का, ये देखो इसमें वही नट वही है, लेकिन इसके थ्रेड 10 नंबर के हैं, तो ये ECM भी चोरी होने का चांसेस जो है वो कम होता है। अब से कई बार हमारे मतलब मोहल्ले में कई दफ़े ECM भी चोरी हो चुके हैं, बैटरी भी चोरी, मेरी खुद की गाड़ी की बैटरी चोरी हुई थी, तो मैंने ये फिर उसके बाद ये मतलब सारा सेटअप बनाने के बाद तब मैंने किया था ये। और ये कितने का लॉक आता है जी? ये ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, 70 या 100 के बीच में आ जाता है, 100 रुपये का लॉक है। और टोटल इसमें मेरा खर्चा आ गया था 150 से 200 रुपये बस, 150-200 रुपये में मेरा सब कुछ रेडी हो गया। और वो जो वेल्डिंग करते हैं हम, वो पत्ती लगाते हैं ना, बहुत बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है, पत्ती वेल्डिंग करो दुनिया भर का, करने के बाद फिर वो अच्छा सा लगता है। ये है कि ये लोग जेन्युइन फील दे रहा है इस टाइम, ये तो सबसे पहले जेन्युइन फील दे रहा है, ऐसा लग रहा है कंपनी फिटेड है। और दूसरी चीज़ की चोरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे तोड़ पाना, क्योंकि बहुत हार्ड है और चोर इतना मेहनत नहीं करते, ध्यान रखना। 10 की 12 की चाबी लेंगे, पिलास लेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो इस तरीके से यदि लॉक लगवा लेते हैं तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। ये देखो चाबी के साथ ही स्टैंडर्ड चाबी मिली हुई है, कितना बेहतरीन है। तो ये ट्रिक्स आप आजमा सकते हैं और इससे बैटरी चोरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग के साथ दो चाबी आती हैं, क्या एक आप अपने घर रख सकते हो और एक आप अपने गाड़ी के साथ भी रख सकते हो, और ब्रांडेड ताला है, कंपनी का लॉक है, ये भी नहीं कि लोकल कंपनी का, पावना कंपनी है, इसकी फैक्ट्री है अलीगढ़ में।
तो जंग लगने के चांसेस नहीं है, आपका लोक खराब नहीं होगा। देखो कितने दिन पहले लगाया था, अभी भी लोक सही है, तो ठीक है यही था। और आप इसे घर बैठे भी मंगा सकते हैं अमेजोन से भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजोन से भी मंगा सकते हैं घर बैठे। तो पावना कंपनी का लॉक है, पावना कंपनी का लॉक है। और इस पे आके दिखा दो जरा लोगों को कि क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है ये दिखा, ये मेंशन किया हुआ है, इस पे मेंशन किया हुआ है ये पावना, और ये रहा यहाँ साइड में स्टिकर भी है, ये देखो जेन्युइन की निशानी है। और कितना फिनिशिंग में लग रहा, सबसे पहले ये अच्छी बात है। तो ऐसे करवा सकते हैं आप, बहुत स्टैंडर्ड आइडिया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। ताला चाबी तो बहुत बुरा सा लगता है। तो यही था ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।